प्रणाम करता हूँ। मैं तो बहुत अच्छा कल सम्मेलन चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी हाईवे पर हाई स्पीड में बस भागती है या ट्रक भागता है, उसी स्पीड से पूरा कल सम्मेलन चल रहा है। और उस हाईवे पर, कल सम्मेलन के हाईवे पर, मैं एक स्पीड ब्रेकर की तरह आपके बीच खड़ा हूँ। कभी कभी गाड़ी की गति जब बढ़ जाती है तो उसको कम करना भी आवश्यक होता है, इसीलिए इस सम्मेलन की गति को मैं थोड़ा सा धीमा करने आया हूँ। असल में विधायकी विभिन्नों की गलती नहीं है, वो ये रचे रचाए जो कम सम्मेलन के जुमले होते हैं वो ये लोग रख लेते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि ये फिरोजाबाद है और यहाँ की धरती अपनी तमाम विशेषताएं समेटते हुए है। एक ग्वालियर था जहाँ पे तानसेन गाया करते थे, तब हिरण आते थे, ये फिरोजाबाद है, यहाँ कोई कवित्री गाती है तब विधायक आते हैं। अब उसको पता ही नहीं है, कह भी रहे थे कि विभिन्न ममता पाणी को खड़ा कर दो, ममता पाणी को खड़ा कर दो। अब बेचारे को पता ही नहीं था कि ममता पाणी खड़ी होते ही विधायक जी आ जाएंगे। ये बात अगर उसको पता हो गई सर। बहुत अच्छे कंठ से ममता पाणी जी ने बहुत श्रेष्ठ रचनाएं सुनाई, और एक शेर में उन्होंने ये भी कहा कि रात पड़नी थी, रात हो नहीं पाई। अब ममता जी को ये नहीं पता कि रात पड़ने की जिम्मेदारी किसकी है। रात पड़ने के लिए हमने दादा रामेंद्र त्रिपाठी जी को बुलाया, वो रात करेंगे, और ज़्यादा रात न हो जाए इसलिए मैं बड़े संक्षिप्त में अपना ये क्रम पूरा करता हूँ। सभी सुदीश होता है, बहुत कुछ भूमिका की जरूरत नहीं है, विशुद्ध व्यंग से सीधे सीधे आपको जोड़ता हूँ कि आचरण हमारे जब से आदर्शों का मांस नोचती चील हो गए हैं, आचरण हमारे जब से आदर्शों का मांस नोचती चील हो गए हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार प्रगत के साधन और हम प्रगतिशील हो गए हैं। आचरण हमारे आदर्शों का मांस नोचती चील हो गए हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार प्रगत के साधन और हम प्रगतिशील हो गए हैं। हम गलतशील हो गए हैं, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे व्यंग की पंक्तियों से जोड़ता जाता हूँ। दादा रामेंद्र जी को सुनना है, समय कम है, कि चरित्र और ईमानदारी की गाय प्रतीकों के माध्यम से व्यंग होता है, चरित्र और ईमानदारी की गाय विवशता के खूंटे से बदी हाथ मल रही है, सत्य और अहिंसा की बकरी की गर्दन पर निरंतर छुरी चल रही है, कर्तव्य और निष्ठा का बैल जिंदगी के कोलू में जुटा घुट घुट कर मर रहा है, और उधर भ्रष्टाचार का गधा मजे से संविधान चल रहा है, समूचा हिंदुस्तान चल रहा है। चरित्र और ईमानदारी की गाय, चरित्र और ईमानदारी की गाय विवशता के खूंटे से बदी हाथ मल रही है,
सत्य और अहिंसा की बकरी की गर्दन पर निरंतर छुरी चल रही है। कर्तव्य और निष्ठा का बैल जिंदगी के कोलू में जुटा घुट घुट कर मर रहा है और उधर भ्रष्टाचार का गधा मजे से संविधान चल रहा है, समूचा हिंदुस्तान चल रहा है। मैं तो आज की ये कविता की शाम पुलवामा के शहीदों के नाम है और जब हम राह में निकलते हैं तो विसंगतियों के क्रम में शहीदों के कई कैटागरी होती हैं, श्रद्धांजलियों की भी कई कैटागरी होती हैं। आज मैं आ रहा था सिकोवास से तो बाईपास के ढाबे पे एक ट्रक खड़ा हुआ था, वो उस ट्रक का ड्राइवर चाय पी रहा था। ट्रक के पीछे लिखा था शहीदों को नमन। चाय पीते हुए ड्राइवर से मैंने पूछा कि तुम भगत सिंह को जानते हो? ड्राइवर बोला नहीं। मैंने कहा रामप्रसाद मिश्रिल को जानते हो कि नहीं? मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद को जानते हो कि नहीं? हमने कि अपने देश के जितने वीर शहीद हुए हैं, जितने क्रांतिकारी हुए हैं, उनमें से किसी का नाम तुम नहीं जानते, उसके बाद भी तुमने ट्रक के पीछे शहीदों को नमन क्यों लिखवा रखा है? बोला भाई साहब आपको कोई बड़ी गलत फहमी हुई है, मैंने ये श्रद्धांजलि ये नमन उन शहीदों के लिए नहीं लिखवाया है, मैंने तो उन शहीदों के लिए लिखवाया है जो इस ट्रक के सामने आते शहीद हो जाते हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। मैं शहीदों का स्मरण करता हूँ एक व्यंग के माध्यम से, एक व्यंग के माध्यम से। विधायक जी, दो मिनट की एक संक्षिप्त सी भूमिका है व्यंग से पहले। हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन में जितने वीर शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और उसके बाद वो शहीद होके चले गए, हमको आज़ादी दिलवाई उन्होंने, हमारा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपिता बापू के निर्देशन में उनके नेतृत्व में वीर शहीदों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज हमारे बीच न बापू हैं न वो शहीद हैं। मेरी एक कल्पना थी कि वो महात्मा गांधी की आत्मा स्वर्ग में है और जितने भी हमारे देश के वीर शहीद हैं उनकी आत्माएं स्वर्ग में। हमारे शहीदों की आत्माओं के मन में एक दिन जिज्ञासा आती है कि हमने अपने प्राणों की आहुति देकर जिस भारत माता को स्वतंत्र कराया था उसका आजकल हाल क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। तो स्वर्ग में सारे शहीदों की आत्माएं इकट्ठी होती हैं, विचार करती हैं और वो सारी आत्माएं एक साथ मिलकर महात्मा गांधी की आत्मा के पास जाती हैं और उनसे निवेदन करती हैं कि बापू आपके निर्देशन में हमने अपने प्राणों की आहुति देकर जिस भारत माता को स्वतंत्र कराया था, हम जानना चाहते हैं कि आज आज़ादी के 74-75 वर्षों बाद उसकी क्या स्थिति है। आप कृपया स्वर्ग से धरती पर जाइए और हमारी भारत माता की जो स्थिति है वो आप तक हमको बताइए। शहीदों की आत्माओं के निवेदन पर महात्मा गांधी धरती पर आते हैं और वहाँ से ये व्यंग शुरू होता है। 5-6 मिनट का व्यंग मैं पढ़ते हुए अपने क्रम को पूरा करता हूँ और दादा रामायण जी को सुनता हूँ। कि गांधी जयंती के दिन राजधानी की सड़कों पर चल रही थी हर्ष और उल्लास की आंधी। गांधी जयंती के दिन राजधानी की सड़कों पर चल रही थी हर्ष और उल्लास की आंधी और उधर राजघाट से कोने में अपना मुंह छुपाई रो रहे थे महात्मा गांधी और उधर राजघाट के कोने में अपना मुंह छुपाई रो रहे थे महात्मा गांधी। मैंने कहा बापू आप यहाँ बैठे रो रहे हैं, यानी अपनी समाज को अपने ही आंसुओं से धो रहे हैं। मैंने कहा बापू आप यहाँ बैठे रो रहे हैं, यानी अपनी समाज को अपने ही आंसुओं से धो रहे हैं। वे बोले ओ 21वीं सदी के कलमकार तुझे शायद पता नहीं। वे बोले कि ओ 21वीं सदी के कलमकार तुझे शायद पता नहीं कि आज भी शेखर भगत सुभाष राजगुरु बिस्मिल अफ़्फ़ा जैसे कितने ही वीर शहीदों ने अपनी मातृभूमि की स्मृतियों को अपने
अपने हृदय में सहेजा है और उन्हीं वीर शहीदों ने भारत माता का हाल जानने मुझे स्वर्ग धरती पर भेजा है। उन्हीं वीर शहीदों ने अपनी भारत माता का हाल जानने स्वर्ग से मुझे धरती पर भेजा है। लेकिन क्या बताऊं, यहाँ का तो हाल ही बेहाल है। लेकिन क्या बताऊं, यहाँ का तो हाल ही बेहाल है। आजादी के बदन पर गुलामी की पुरानी खाल है। हमारे नौनिहाल आजादी के रथ पर कुछ इस तरह चढ़ गए हैं कि उनके आचरण नाखूनों की तरह हमारी आंखों में गड़ गए हैं। हमारे नौनिहाल आजादी के रथ पर कुछ इस तरह चढ़ गए हैं कि उनके आचरण नाखूनों की तरह हमारी आंखों में गड़ गए हैं। लोकतंत्र के पेड़ की हर डाल पर सिर्फ साजिश का ही पत्ता है और भ्रष्टाचार के घुंघरू पांव में बांधकर किसी मुजरे वाली की तरह नाचती जा सकता है। भ्रष्टाचार के घुंघरू पांव में बांधकर किसी मुजरे वाली की तरह नाचती जा सकता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ की हर कौम आपस में बट गई है और हमारी समूची न्याय व्यवस्था ईसा मसीह की तरह सुनी तो चलेगी। चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहाँ की हर कौम आपस में बट गई है और हमारी समूची न्याय व्यवस्था ईसा मसीह की तरह सूली पर चढ़ गई है। जगत के नाम पर हमने अपनी लाज और शर्म खूंटी पर टांग दी। जगत के नाम पर हमने अपनी लाज और शर्म खूंटी पर टांग दी है। और रही बात हमारी सभ्यता और संस्कृति की, वो सब हमने पश्चिम को उधार बांट दी। जगत के नाम पर हमने अपनी लाज और शर्म खूंटी पर टांग दी है। और रही बात हमारी सभ्यता और संस्कृति की, वो सब हमने पश्चिम को उधार बांट दी है। और व्यंग यहाँ से मोड़ लेता है, बताएगी व्यंग यहाँ से पैदा होता है कि गिरे हुए दीवारों वाले आंगन में, गिरी हुई दीवारों वाले आंगन में भूख जब दौड़ लगाती है, गिरी हुई दीवारों वाले आंगन में भूख जब दौड़ लगाती है, तब हमको आजादी की सच्ची तस्वीर नजर आती है। गिरी हुई दीवारों वाले आंगन में भूख जब दौड़ लगाती है, तब हमको आजादी की सच्ची तस्वीर नजर आती है। मैं ढूंढ रहा हूँ अपने वे आदर्श, गौरव और सम्मान कहाँ है। अरे वीर शहीदों के सपनों वाला वो प्यारा हिंदुस्तान कहाँ है। मैं ढूंढ रहा हूँ अपने वे आदर्श, गौरव और सम्मान कहाँ है। अरे वीर शहीदों के सपनों वाला वो प्यारा हिंदुस्तान कहाँ है। मैंने कहा बापू जरा ठहरो, मैंने कहा बापू जरा ठहरो, अभी तो महानगर पे फाइव स्टार होटल है, शिक्षा के मंदिर है, अधिकारी की कोठी है, सरकारी अस्पताल है, कचहरी है, थाना है, और उस चौराहे पर, भीड़ भरे चौराहे पर मंदिर के बगल में भीड़ भरा मैखाना है। मैंने कहा बापू जरा ठहरो, अभी तो महानगर के फाइव स्टार होटल है, शिक्षा के मंदिर है, अधिकारी की कोठी है, सरकारी अस्पताल है, कचहरी है, थाना है, और वो भीड़ भरे चौराहे पर मंदिर की बगल में भीड़ भरा मैखाना है। आजादी की असली तस्वीर देखने अभी आपको वहां भी तो जाना है। आजादी की असली तस्वीर देखने अभी आपको वहां भी तो जाना है, जहां तुम्हारी लाठी टके टके नीलाम हो रही है, जहां तुम्हारी अहिंसा कत्लेआम हो रही है, जहां तुम्हारी अहिंसा कत्लेआम हो रही है और तुम्हारी लाठी भी टके टके नीलाम हो रही है। इतना सुनते ही बापू राजघाट पर पटक पटक अपना सिर फोड़ गए और जाते जाते अपनी फटी लगोटी भी छोड़ दी। इतना सुनते ही बापू राजघाट पर पटक पटक अपना सिर फोड़ गए और जाते जाते अपनी फटी लंगोटी भी छोड़ गए, जिसे लोकतंत्र के ठेकेदार अपने कंधे पर डाले
सत्ता के गलियारों में डोल रहे हैं और राजघाट पर सौगंधें खा खा कर बापू के हत्यारे बापू की जय बोल रहे हैं। बापू के हत्यारे बापू की जय। एक कवि शेष है और बहुत विशेष है और बहुत दादा को जैसे प्रशांत दादा ने बताया था कि रात करनी है तो रात कर रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे का दिन है और विधायक जी भी मोबाइल में व्यस्त हैं। शायद हो सकता है कोई बात हो कि अजीब सी हरकतें नादा दिल कर बैठा, वो करती रही रुसवा फिर भी उस पर मर बैठा। ये किस्से किसी को सुनाए नहीं थे, नगमे भी वफा के इन्होंने गाए नहीं थे। दरवाजों पर निगाहें थी, मंजिल थी और बस वही राहें थी। न जाने कब फोन आ जाए, ऐ काश तुम्हारा फोन आ जाए। मनीष